आज मैं हूँ आपके बीच इस एक दिव्य औषधीय गुणों से परिपूर्ण इस पौधे को लेकर के, जो आयुर्वेद के जानने वाले जो लोग हैं लगभग वो सभी जानते हैं। यह आयुर्वेद का सुप्रसिद्ध पौधा है जिसको हम पित्त पापड़ा के नाम से जानते हैं। यह दांतों के लिए भी, यदि आप इसको चबा करके, जैसे इसको आराम से खा सकते हैं, थोड़ी सी कड़वाहट होती है और कोई चीज़ नहीं होती है, इसको तोड़ करके यदि आप इसको खूब चबा करके अच्छी तरह से मस्ती से चबाइए, चबा चबा करके अपने गम्स मसूड़ों में उसके लार को लगने दीजिए। बाद में चाहे तो उसको आप निगल भी सकते हैं, चाहे तो आप थूक भी सकते हैं। निगलेंगे तो आंतों को भी लाभ होगा, नहीं निगलेंगे तो दांतों को लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मसूड़ों के लिए, मसूड़ों के इन्फेक्शन के लिए, उसके अंदर पस पड़ा हुआ है, जाड़ों में दांतों में दर्द होता है, उस समय के लिए भी यह पित्त पापड़ा बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही अच्छा है।